हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शोल्डर का वर्कआउट। तो बिना देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हारा जो सबसे पहला एक्सरसाइज होगा वो होगा एक ओवरहेड स्ट्रिक्ट प्रेस। इसमें आपको जर्क नहीं लेना है, पुश प्रेस नहीं बनाना है इस एक्सरसाइज को। आप जब बारबेल को पुश करेंगे तो अपने एल्बोज को पूरी तरह से लॉकआउट करना है, और इस एक्सरसाइज की आपको 5 सेट लगानी है। मैक्सिमम रिपीटेशन रखना है आपको हर सेट में 12 रिपीटेशन। आप 10 रिपीटेशन तक आ सकते हैं, लेकिन उससे नीचे आपको नहीं आना है। हमारा जो दूसरा एक्सरसाइज होने वाला है वो होगा एक फ्रंट बारबेल रेज। इस एक्सरसाइज में भी हम अपने एंटी रेड डेल्ट को टारगेट करेंगे। आप देख सकते हैं आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है। मैंने इसमें थोड़ा सा चीट रैप लिया था लास्ट में, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए चीट रैप चलेगा। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप चीट रैप ना करें तो बेहतर होगा। आपको इस एक्सरसाइज की 4 सेट लगानी है, हर सेट में आपको 10 रिपीटेशन रखना है। ये एक्सरसाइज आपके एंटी रेड डेल्ट को टारगेट करेगा, और जो हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज था वो भी स्ट्रिक्ट प्रेस भी आपके एंटी रेड डेल्ट को ही टारगेट करेगा। तुम्हारा जो तीसरा एक्सरसाइज है वो होगा एक लैंडमाइन ओवरहेड प्रेस। इसमें देख सकते हैं आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है। ये एक टी बार में आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास बारबेल है तो आप बारबेल को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज की भी आपको 4 सेट लगानी है, मैक्सिमम रिपीटेशन फिर हम 10 से 12 का रखेंगे। अगर आप एक बिगिनर है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा हैवी ना जाए, ईगो लिफ्टिंग मत करें। हमारा जो चौथा एक्सरसाइज होने वाला है वो होगा एक साइड लैटरल रेज। आप देख सकते हैं इसमें आपको कैसे पोजीशन लेना है। आपको एक न्यूट्रल ग्रिप रखना है, उसके बाद अपने एल्बो को हल्का सा अनलॉक करना है, और आपको एल्बो से मूवमेंट को इनिशिएट करना है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया है, यहाँ पे मेरे पास दूसरा डंबल का अटैचमेंट नहीं था, इसलिए मैंने ये एक हाथ से परफॉर्म किया है, यूनिलैटरली परफॉर्म किया है। आपके पास अगर डंबल है तो आप दोनों हाथों से परफॉर्म करें। आपको मूवमेंट इनिशिएट करना है अपने एल्बो से। इस एक्सरसाइज की आपको 3 सेट लगानी है, हर सेट में 10 से 12 रिपीटेशन हम रखेंगे। हमारा जो 5वां एक्सरसाइज होने वाला है वो होगा एक अपराइट बारबेल रो। इसमें बहुत लोगों ने आपको बोला होगा कि ये ट्रैप्स के लिए एक्सरसाइज है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये असल में एक साइड डेल्ट के लिए एक्सरसाइज है। आप अगर फोकस करेंगे, आप अगर नोटिस करेंगे, तो जब हम बारबेल को ऊपर खींचते हैं तो हमारा जो लैटरल है, लैटरल हेड ऑफ शोल्डर है, वो स्क्वीज होता है। देखिए, जो इंसर्शन और ओरिजिन है वो आपके पास आएगा। दोनों इंसर्शन और ओरिजिन जब क्लोज होता है, तो मतलब जो इंसर्शन और ओरिजिन का डिस्टेंस अगर कम होता है, तो मतलब कि वो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसमें आपका ट्रैप्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन उस तरीके से नहीं रहता जिस तरीके से आपको लोगों ने बताया था इतने सालों से। और ये जो मूवमेंट मैंने आपको बताया, आपको इस तरीके से मूवमेंट नहीं करना है। आपको अपराइट और स्ट्रेट ऊपर लेना है। पाथवे जो बारबेल का रहेगा वो एक 90 डिग्री रहेगा फ्लोर से। आपको स्ट्रेट ऊपर लेना है, आपको ज़्यादा बारबेल को आगे करके नहीं उतारना है। आप देख सकते हैं मैंने कैसे परफॉर्म किया। इस एक्सरसाइज की भी आपको 3 सेट लगानी है, मैक्सिमम रिपीटेशन हम फिर 10 से 12 रखेंगे। हमारा जो छठा एक्सरसाइज है वो हम लगाएंगे एक रेयर डेल्ट के लिए। लेकिन मैंने पहले भी बताया था, मैंने बैक के दिन भी रेयर डेल्ट को कवर किया था।
लेकिन फिर भी मैं इस शोल्डर डे के दिन भी रेयर डेल्ट को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं अभी भी कि रेयर डेल्ट आपके शोल्डर का हिस्सा है, लेकिन वो एक पुलिंग मसल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बैक के दिन ही ट्रेन करें, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप शोल्डर के दिन ट्रेन कर सकते हैं। प्रोन हाई रो हम लगाएंगे एक बारबल से, आप देख सकते हैं मैंने कैसे परफॉर्म किया है। इसमें आपका जो अपर बॉडी है फ्लोर से पैरेलल रहेगा, आपको एक 90 डिग्री का पोजीशन बनाना है और आपका जो बारबल है वो सीधा क्लैविकल को हिट करेगा। क्लैविकल मतलब आपका कॉलर बोन को हिट करेगा। आपको बारबल को पीछे पुश नहीं करना है, आपको बैक को इन्वॉल्व नहीं करना है, आपको कोशिश करना है कि आप अपने रेयर डेल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें। इस एक्सरसाइज की भी आपको 3 सेट लगानी है, मैक्सिमम रिपीटेशन हम फिर 10 से 12 रखेंगे। तो ये था हमारा पूरा शोल्डर का शेड्यूल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पूरे शेड्यूल को एक बार ट्राई करके देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये बहुत एक इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इफेक्टिव शेड्यूल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये शेड्यूल कैसा लगा। तो तब तक के लिए हमें फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट शेड्यूल में जो हमारा होगा लेग्स का। और अगर आपने मेरा वो जुगाड़ वाला वीडियो नहीं देखा कि कैसे मैंने होम जिम सेटअप तैयार किया, तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा और वो सेम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आप खुद जुगाड़ बना सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो। और अगर आपने मेरे बाकी सारे वर्कआउट शेड्यूल नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं।